सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग JNM फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रैक्चर है जो कि इससे क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं। तो हम लोग आज फ्रैक्चर टॉपिक को अच्छे से करेंगे, ठीक है। इसका डिफिनेशन क्या है, फ्रैक्चर क्या है, फ्रैक्चर के प्रकार क्या है एंड फ्रैक्चर के कारण क्या है। तो डियर चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये JNM के फर्स्ट ईयर में ये फ्रैक्चर क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं। तो ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का है JNM फर्स्ट ईयर का। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको फ्रैक्चर जो है हमेशा देखने को मिलेंगे डियर। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से कीजिएगा ताकि सारे क्वेश्चन आप लोग के याद हो जाए अच्छे से और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम में लिख के आइए। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है फ्रैक्चर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डियर। तो चलिए, तो इसका डेफिनेशन देखिए डियर क्या कह रहा है। तो फ्रैक्चर क्या है, ओके, तो फ्रैक्चर जो है, एक मिनट, तो इसका डेफिनेशन है किसी हड्डी का टूटना, ओके, किसी हड्डी का टूटना फ्रैक्चर कहलाता है। अगर हम लोग बोन फ्रैक्चर की बात करें तो उसमें क्या होगा, हमारी हड्डी ही तो टूटेगी ना। तो फ्रैक्चर है किसी हड्डी का टूटना, बोन फ्रैक्चर कहलाता है, ओके, क्लियर है। किसी हड्डी का टूटना बोन फ्रैक्चर कहलाता है। बहुत ही छोटा इसका डेफिनेशन है, आप लोग को याद करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक दो बार बोलिए क्लियर हो जाएगा, है ना। तो किसी हड्डी का टूटना फ्रैक्चर कहलाता है, ओके। आई होप कि आप सभी को इस समझ में आ रहे होगा, ओके। तो किसी हड्डी का टूटना बोन फ्रैक्चर कहलाता है, ओके। तो बोन फ्रैक्चर क्या होगा डियर, तो बोन फ्रैक्चर है तो किसका फ्रैक्चर होगा, बोन का ही होगा ना, तो ब्रोकन बोन, तो बोन का टूटना बोन फ्रैक्चर कहलाता है, ओके। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर जो होते हैं डियर वो विभिन्न प्रकार से होते हैं, तो बहुत टाइप के होते हैं। तो फ्रैक्चर जो है इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, तो चलिए हम लोग एक एक टाइप को अच्छे से डिटेल में करते हैं, ओके, विद डायग्राम के साथ। तो टाइप ऑफ फ्रैक्चर, तो फर्स्ट है कम्युनेटेड फ्रैक्चर, ठीक है। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कम्युनेटेड फ्रैक्चर। तो ये कह रहा है डियर, ऐसा फ्रैक्चर जिसमें बोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं जिसे कम्युनेटेड फ्रैक्चर कहते हैं, कम्युनेटेड फ्रैक्चर कॉमन, ठीक है। ऐसा फ्रैक्चर जिसमें बोन के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते, बहुत सारे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं जिसे कम्युनेटेड फ्रैक्चर कहते हैं, जैसे कि एक मिनट, आप लोग डायग्राम में देख सकते हो, जैसे कि अगर कोई बोन है, अगर बोन टूट गया है तो उसके, जैसे ये कोई बोन है डियर, तो यहाँ से अगर ये टूटा है तो इसके बहुत सारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कम्युनेटेड फ्रैक्चर, क्लियर है, ओके। आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो, देख सकते हो, किसी ऐसा फ्रैक्चर जिसमें बोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं कम्युनेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा। तो टाइप ऑफ फ्रैक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिफिनेशन, इसके टाइप एंड इसके कॉजेज। तो चलिए हम लोग आज देख ही रहे हैं ना अच्छे से, तो आप लोग अच्छे से पेन कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है डियर क्लोज फ्रैक्चर, ओके। क्लोज्ड फ्रैक्चर, ऐसा फ्रैक्चर जिसमें त्वचा पर खुला जख्म नहीं बनता है। मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है ना, क्लोज्ड मतलब क्या होता है डियर, बंद। तो क्लोज्ड फ्रैक्चर, ऐसा फ्रैक्चर जिसमें त्वचा पर खुला जख्म नहीं बनता है, मतलब कि अगर कोई पेशेंट है, उसके बोन का फ्रैक्चर हो गया है डियर, तो वो आपको सामने से या फिर बाहर से विजिबल नहीं होगा जब तक कि आप उसका एक्सरे ना करवा लें, ठीक है। तो क्लोज्ड फ्रैक्चर, ऐसा फ्रैक्चर जिसमें
त्वचा पर कोई जख्म नहीं बनता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब अगर किसी का बोन फ्रैक्चर हो गया है तो वो हमारे स्किन से बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है, जो कि हमें दिखाई नहीं देगा। ओके, अगर ऐसे कहें कि जो बॉडी के अंदर टूटता है और हमें दिखाई नहीं देता, विजिबल नहीं होता, उसे हम लोग क्लोज्ड फ्रैक्चर कहते हैं। समझ में आ गया? ओके, चलिए आप लोग जो है डायग्राम देख के समझ सकते हो। क्लोज फ्रैक्चर ऐसा फ्रैक्चर जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देता है, वो बॉडी के अंदर टूटता है। ठीक है, जो हमारे बॉडी के अंदर टूटता है, तो अगर बॉडी के अंदर टूटा तो हमारी स्किन को तो डैमेज नहीं करेगा ना। हाँ, तो वही कह रहा है, ऐसा फ्रैक्चर जिसमें त्वचा पर खुला जख्म नहीं बनता है। ठीक है, तो वो अंदर ही टूटता है, वो हमें बाहर से नहीं दिखता है। बाहर से कब दिखेगा? अगर किसी का फ्रैक्चर हुआ, बाहर से कब दिखेगा? जब वो हमारे स्किन को डैमेज करके बाहर निकलेगा, तभी तो वो दिखेगा ना। ये मतलब कह रहा है क्लोज फ्रैक्चर, जो हमारे त्वचा से बाहर नहीं होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर ही टूटता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो आप लोग अच्छे से समझ सकते हो, क्लोज फ्रैक्चर इसका नाम ही है। मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर टूटता है, वो हमारे त्वचा पर जख्म नहीं बनाता है। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो इसे हम लोग क्लोज फ्रैक्चर कहते हैं। आप लोग डायग्राम में देखे अच्छे से समझ सकते हो डियर। तो चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप कह रहा है ओपन फ्रैक्चर। ओके, तो ओपन फ्रैक्चर क्या होगा? नाम से ही पता चल रहा है वो क्लोज था, तो ये ओपन है। क्लोज में नहीं दिख रहा था, बट ओपन में क्या होगा दिखेगा। तो चलिए देखते हैं इसका डिफिनेशन। ओपन फ्रैक्चर ऐसा फ्रैक्चर जिसमें बोन के टूटने पर त्वचा से होकर हड्डी के टुकड़े बाहर निकलना। तो देख सकते हो, अगर किसी का फ्रैक्चर होगा तो अगर उसका बोन बाहर आपको दिख रहा है, तो आप लोग उसको बोल सकते हो ओपन फ्रैक्चर। ऐसा फ्रैक्चर जिसमें बोन के टूटने पर त्वचा से क्या हो रहा है, त्वचा से होकर हड्डी के टुकड़े बाहर निकल रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, जो कि हमें दिख रहा है कि हाँ उसके बोन टूट गया है और उसके टुकड़े जो हैं जो भी हैं बाहर निकला हुआ है, तो वो हमें दिख रहा है ना, विजिबल है कि किसी पेशेंट का बोन टूट गया है, तो वो हमें दिख रहा है, तो वो ओपन फ्रैक्चर हो गया। बट हमने ऊपर क्या देखा, वो क्या था, नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो वो क्लोज फ्रैक्चर था। तो नाम से ही आप लोग रिलेट करके पढ़ सकते हो, तो इजीली याद रहेगा। तो ये ओपन फ्रैक्चर है, ऐसा फ्रैक्चर जिसमें बोन के टूटने पर वो मतलब त्वचा से होकर हड्डी के टुकड़े का बाहर निकलना, जो कि दिखे कि हाँ वो स्किन को डैमेज करके बाहर निकल गया है, तो वो हमारा ओपन फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो आप लोग डायग्राम देख के समझ सकते हो। ठीक है, आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट फ्रैक्चर का टाइप हम लोग देखते हैं डियर। तो नेक्स्ट टाइप है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। ओके, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। कॉम्प्लिकेटेड का हिंदी क्या होता है, आप लोग ऐसे ही देखो तो क्या होगा, जटिल ही होगा ना। तो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर ऐसा फ्रैक्चर जिसमें टूटी हड्डी किसी आंतरिक ऑर्गन, मतलब हमारे इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करते हुए उन्हें क्षति पहुंचाती है, उसे हम लोग कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड ही हुआ ना, कि बोन तो टूटा ही टूटा, बट क्या हुआ ना कि बोन जब टूटा तो हमारे इंटरनल ऑर्गन है ना, वाइटल ऑर्गन जो है, उन्हें भी वो साथ में डैमेज कर रहा है। तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है ना डियर, तो इसीलिए इसका नाम है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। आप लोग नाम से रिलेट करके याद पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। तो देखो, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर ऐसा फ्रैक्चर जिसमें टूटी हड्डी किसी हमारे इंटरनल ऑर्गन को, आंतरिक अंगों को क्षति पहुंचाती है, उन्हें डैमेज करती है ना। इंटरनल ऑर्गन आप लोग ध्यान में रखिएगा, वाइटल ऑर्गन जो है हमारे कौन कौन से हैं, ब्रेन हो जाएंगे, है ना, ब्रेन, लंग्स। ठीक है, तो हम लोग अभी देखते हैं एग्जांपल में। तो ऐसा फ्रैक्चर जिसमें टूटी हड्डी किसी आंतरिक अंग को क्षति पहुंचाती है, जैसे मस्तिष्क, फेफड़ा, यकृत, प्लीहा व गुर्दे को क्षति पहुंचाती है। जैसे अगर
मान लीजिए किसी का रिब्स टूटा, ठीक है, आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हो, अगर किसी का रिब्स टूटा, ठीक है, रिब्स कितने होते हैं डियर, आप लोग बता सकते हो, रिब्स कितने पेयर में होते हैं आप लोग बता सकते हो डियर, तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग फ्रैक्चर कर रहे हैं, तो आप लोग रिब्स कितने होते हैं आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ओके। आप लोग के लिए डब्लू रहा, ओके। तो तो हमारे जो रिब्स है, अगर मान लीजिए किसी का रिब्स टूट गया, तो वो हमारे रिब्स के टूटने से क्या हो जाएगा, अगर रिब्स टूट गया तो वो हमारे लंग्स को, है ना, डैमेज कर सकता है, ओके। तो इसी तरह अगर ब्रेन टूटा, तो अगर ब्रेन का जो क्रेनियल, हमारा क्रेनियल बोन है, ठीक है, अगर हमारा क्रेनियल बोन टूट गया तो उससे क्या होगा, हमारे जो ब्रेन है उसे डैमेज कर सकता है ना। तो इसी तरह आप लोग पढ़ सकते हो कि कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, ऐसा फ्रैक्चर जिसमें हड्डी के टूटी हड्डी किसी आंतरिक अंग को क्षति पहुंचाती है, जिसे हम लोग कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। जैसे अगर हमारा क्रेनियल बोन जो है वो टूट गया, तो उससे हमारे क्या होगा, ब्रेन ही डैमेज होगा ना। अगर किसी का रिब्स टूटा, तो वो किसको, लंग्स को डैमेज कर सकता है, ठीक है, हार्ट को डैमेज कर सकता है, ओके। तो क्लियर है, तो ये कौन सा फ्रैक्चर हो गया, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, आप लोग डायग्राम में देख सकते हो, है ना, रिब्स के टूटने से लंग्स को वो डैमेज कर रहा है, ओके। चलिए, आप लोग डायग्राम देख के समझ सकते हो, और 2-3 बार पढ़ोगे तो इजीली सारे याद हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, और बहुत ही अगर आप लोग देखो तो सारे जो फ्रैक्चर के जो टाइप है वो नाम से अगर रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको जल्दी याद होगा। जैसे क्लोज था, तो क्लोज में हमें बोन नहीं दिख रहा था, स्किन के बाहर नहीं आ रहा था, वो विजिबल नहीं था हमें जब तक कि हम उसका एक्सरे ना करें। और अपेन में क्या था डियर, कि बोन टूटा हुआ है, वो हमें विजिबल है कि नहीं, स्किन को डैमेज करके वो बोन बाहर आया है, तो वो ओपन फ्रैक्चर हो गया। तो आप लोग नाम से भी रिलेट करके पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से याद होगा। तो चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, ओके। तो डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, ऐसा फ्रैक्चर जिसमें टूटी हुई हड्डी डिस्प्लेस्ड हो जाती है। तो डिस्प्लेस्ड क्या होता है, कि अगर बोन टूटी है यहाँ से, तो वो थोड़ा से इधर हट जाएगी, अपने जगह से थोड़ा सा वो हट जाएगी, डिस्प्लेस्ड हो जाएगी, है ना। तो नाम से ही पता चल रहा है, डिस्प्लेस्ड हो जाएगी मतलब अपनी जगह से वो थोड़ा से हट जाएगी। ऐसा फ्रैक्चर जिसमें टूटी हड्डी डिस्प्लेस्ड हो जाती है, उसे हम लोग डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर कहते हैं। आप लोग डायग्राम में देख सकते हो और इजीली समझ सकते हो, ठीक है, ओके। तो ये हमारा डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर था, ठीक है, डायग्राम में आप लोग अच्छे से देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं डियर, नेक्स्ट है पैथोलॉजिक फ्रैक्चर, ठीक है। पैथोलॉजिक फ्रैक्चर, कुछ रोग जैसे हड्डी का कैंसर, अस्थि मृदुलता, अस्थि मज्जासोथ आदि के कारण हड्डी में कमजोरी होने से टूट जाती है, ठीक है। तो पैथोलॉजिक फ्रैक्चर क्या होता है डियर, कुछ रोग के कारण, ठीक है, कुछ अदर डिजीज़ के कारण बोन का वीक होके, फिर अगर थोड़ा सा भी चोट लगेगा तो वो बोन टूट जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी है कि पैथोलॉजिक फ्रैक्चर कुछ मतलब कुछ दूसरे डिजीज कंडीशन के कारण बोन का वीक होके टूटना, हम लोग क्या बोलेंगे, पैथोलॉजिक फ्रैक्चर बोलेंगे, ठीक है, क्लियर है, ओके। जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, तो विटामिन डी की कमी से क्या होगा, हमारे बोन कमज़ोर हो जाते हैं, तो हम लोग फिर क्या होगा, हमारे बोन टूट जाएंगे, वीक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, तो थोड़ा सा भी चोट लगेगा तो वो, अगर कमज़ोर हो गया बोन तो वो टूट जाएगा। तो पैथोलॉजिक फ्रैक्चर यही कह रहा है, कोई अदर डिजीज कंडीशन के कारण बोन का वीक हो जाना, वीक होने से टूटना पैथोलॉजिक फ्रैक्चर कहलाता है, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हम लोग, आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हो, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हम लोग, तो नेक्स्ट टाइप है डियर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर,
तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ऐसा फ्रैक्चर जिसमें हड्डी का कुछ भाग टूट जाता है, कुछ मुड़ जाता है, जिससे यह टूटी हुई टहनी के समान प्रतीत होती है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है ग्रीन स्टिक? ग्रीन स्टिक से आप लोग को क्या समझ में आ रहा है? ग्रीन स्टिक है ना, हरा छरी आप लोग मान सकते हो, जो भी हरा छरी टहनी जो भी है ना। तो ग्रीन स्टिक क्या हो गया? ऐसा, एक मिनट डियर, ओके। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ऐसा फ्रैक्चर जिसमें हड्डी का कुछ भाग टूट जाता है, कुछ मुड़ जाता है, जिससे यह टूटी हुई टहनी के समान प्रतीत होती है, इसे हम लोग ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। ये फ्रैक्चर जो होता है प्रायः बच्चों में देखने को मिलता है। ठीक है, ये फ्रैक्चर प्रायः बच्चों में देखने को मिलता है। तो क्लियर है आप सभी को? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर ऐसा फ्रैक्चर होता है जिसमें हड्डी का कुछ भाग टूट जाता है, कुछ मुड़ जाता है, जिससे वो कैसा प्रतीत होता है? टूटी हुई टहनी के समान प्रतीत होता है। ठीक है, यह प्रायः बच्चों में देखने को, ऐसा फ्रैक्चर प्रायः बच्चों में देखने को मिलता है। ठीक है, आप लोग डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पे, ओके। तो आप लोग देख सकते हो कुछ बोन मुड़ गए हैं, कुछ टूट गया है, जिससे वो कैसा प्रतीत हो रहा है? टूटी हुई टहनी के समान, तो इसे हम लोग ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। डियर, नेक्स्ट कह रहा है ऑब्लिक फ्रैक्चर। ऑब्लिक फ्रैक्चर किसी हड्डी का तिरछे रूप से फ्रैक्चर अगर हो जाता है, तिरछा होने वाला फ्रैक्चर। ऑब्लिक फ्रैक्चर किसी हड्डी में तिरछा होने वाला फ्रैक्चर को हम लोग ऑब्लिक फ्रैक्चर कहते हैं। बहुत क्लियर है? अगर हमारा बोन है तो वो ऐसे अगर तिरछे रूप में टूटा है तो हम लोग उसे ऑब्लिक फ्रैक्चर कहेंगे, ओके। चलिए आप लोग इसका डायग्राम देख सकते हो, ओके। तो नेक्स्ट है, आप लोग को समझ में आ रहा है ना, नाम से ही डियर आप लोग रिलेट कर सकते हो। ऑब्लिक फ्रैक्चर तो किसी हड्डी में तिरछी होने वाला फ्रैक्चर को हम लोग ऑब्लिक फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पर डायग्राम देखोगे तो और भी समझ में आ जाएगा अच्छे से, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं डियर। तो नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर। किसी हड्डी में लंबाई में होने वाला फ्रैक्चर। लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर किसी हड्डी में लंबाई में होने वाला फ्रैक्चर लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर कहलाता है। क्लियर है? आप लोग डायग्राम देख सकते हो, है ना, लंबाई में टूटा हुआ है तो इसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। तो नेक्स्ट है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। नेक्स्ट है डियर ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ऐसा फ्रैक्चर जिसमें फ्रैक्चर रेखा हड्डी में लंब अक्ष के समकोण पर होती है, मतलब वो सीधा सीधा टूटती है। ठीक है, तो उसे हम लोग ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहते हैं। आप लोग डायग्राम देख सकते हो, ओके, क्लियर है? तो इसे हम लोग कौन सा फ्रैक्चर बोलेंगे? ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, जो कि सीधे किसी हड्डी के सीधे से टूटना ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहते हैं। क्लियर है? आप लोग डायग्राम देख सकते हो, ओके। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग मल्टीपल फ्रैक्चर। मल्टीपल नाम से मैं बोल रही हूँ ना, नाम से रिलेट करो सारे हो जाएंगे। तो मल्टीपल क्या होता है? बहुत, है ना। तो मल्टीपल फ्रैक्चर किसी हड्डी में एक या अधिक स्थानों पर होने वाला फ्रैक्चर, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग डियर? मल्टीपल फ्रैक्चर किसी हड्डी में एक या अधिक स्थानों पर होने वाला फ्रैक्चर। ठीक है, एक बोन है वो वहाँ, जैसे एक बोन है ये, तो ये यहाँ से भी टूटा, यहाँ से भी टूट गया, तो क्या हो रहा है? मल्टीपल ही फ्रैक्चर हुए ना, तो वही कह रहे डियर, किसी हड्डी में एक या अधिक स्थानों पर होने वाला फ्रैक्चर इज कॉल्ड मल्टीपल फ्रैक्चर। आप लोग डायग्राम में देखोगे तो और भी ज़्यादा समझ में आ जाएंगे। ठीक है, डायग्राम से ज़्यादा समझ में आते हैं ना डियर, ओके। तो आप लोग डायग्राम देख सकते हो। तो ये हमारा कौन सा था? मल्टीपल फ्रैक्चर।
ठीक है, जिसमें क्या होता है कि किसी हड्डी के एक या एक से अधिक स्थानों पर होने वाला फ्रैक्चर। नेक्स्ट डियर, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, नाम से रिलेट करते जाइए सारे आप लोग के हो जाएंगे याद, ठीक है। तो इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, ऐसा फ्रैक्चर जिसमें फ्रैक्चर रेखा पूरी हड्डी को पार नहीं करती है, उसे हम लोग इनकम्प्लीट बोलते हैं। अगर किसी का बोन टूटा है तो वो बस उसका जो क्रैकिंग रेखा है बस वो यहीं तक है, वो यहाँ तक जो है वो पार नहीं कर पाया है, ठीक है, तो उसे हम लोग इनकम्प्लीट फ्रैक्चर बोलेंगे। ओके, क्लियर है? एक बार और बोल देते हैं, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, ऐसा फ्रैक्चर जिसमें फ्रैक्चर रेखा, ठीक है, फ्रैक्चर रेखा पूरी रेखा को पार नहीं करती है, थोड़ा सा ही टूटती है फिर वो पूरी बोन को, वो रेखा जो है पार नहीं करती है, पूरा वो फ्रैक्चर नहीं होता, बस थोड़ा सा होता है। तो ही कह रहा है ऐसा फ्रैक्चर जिसमें फ्रैक्चर रेखा पूरी हड्डी को पार नहीं करती है, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो कितने सारे फ्रैक्चर के टाइप हैं। क्या आप लोग को पता था, सिर्फ हम लोग सुनते थे उनके पैर में ये वो फ्रैक्चर हो गए, तो आप लोग देख सकते हो फ्रैक्चर भी होते हैं, तो कितने तरह से फ्रैक्चर होते हैं ना। ओके, तो आप लोग डायग्राम देख सकते हो, इसका इनकम्प्लीट फ्रैक्चर का डायग्राम देख सकते हो, तो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो देख सकते हो जो बोन क्रैक हुआ थोड़ा ही हुआ, उनकी पूरी रेखा बोन को वो पूरे पार नहीं किया, वो थोड़ा सा ही फ्रैक्चर हुआ है, जैसे हम लोग इनकम्प्लीट फ्रैक्चर कहेंगे, है ना। पूरी हड्डी को तो वो फ्रैक्चर नहीं किया ना, बस थोड़ा सा हुआ है। ओके, आप लोग डायग्राम देख सकते हो और अच्छे से समझ भी सकते हो। तो डियर, ये रहा हमारा 12 जो फ्रैक्चर का टाइप था। अगर आप लोग 10 भी लिख के आते हो, डिपेंड करता है वो क्वेश्चन कितने नंबर का है, तो डिफिनेशन लिखो एंड टाइप लिखो एंड कॉजेज, तो अच्छे से आप सभी को सारे मिल जाएंगे। तो छोटा छोटा है, अगर देखो तो 7 भी लिख सकते हो, 10 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, तो आप लोग नंबर के अकॉर्डिंग लिख के आना। तो आप लोग देख सकते हो ना कितने नाम से रिलेटेड थे, कौन कौन सा अभी तक मैंने पढ़ा, ओपन क्लोज, है ना, ओपन फ्रैक्चर, क्लोज फ्रैक्चर भी, पैथोलॉजिक फ्रैक्चर था, मल्टीपल फ्रैक्चर था, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर था, है ना। तो बहुत सारे देखा, ऑब्लिक था, ट्रांसवर्स था, लॉन्गिट्यूडनल था, तो कितने सारे सारे नाम से ही तो रिलेटेड थे ना डियर। तो आप लोग अच्छे से पढ़ोगे ना तो याद हो जाएंगे अच्छे से। तो चलिए अब हम लोग इसके कॉजेज देखते हैं, ठीक है। तो कॉजेज ऑफ फ्रैक्चर देखते हैं, तो कॉजेज क्या होंगे फ्रैक्चर के, मैंने ऊपर भी बताया था। तो फ्रैक्चर कैसे होते हैं, इसके कारण होंगे ना डियर। तो फ्रैक्चर का मुख्य कारण होता है फोर्स, है ना, बल लगना, धक्का मुक्की होना, है ना। अगर बोन पे फोर्स लगेगा ज़्यादा तो बोन हमारा टूट ही जाएगा ना। ओके, तो इसका मुख्य कारण क्या होगा, फ्रैक्चर का मुख्य कारण फोर्स होता है, ठीक है। तब हम लोग देखते हैं इसके मेन कॉजेज क्या है फ्रैक्चर के, तो आप लोग देख सकते हो फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट इंजरी। डायरेक्ट इंजरी में क्या होगा, डायरेक्ट इंजरी में क्या होगा कि कॉजेज देख रहे हैं हम लोग, तो डायरेक्ट इंजरी, ठीक है। तो डायरेक्ट इंजरी क्या होगा, अगर मान लीजिए आप हाथ के बल गिरे हो। ओके डियर, तो हम लोग देख रहे थे कॉजेज, तो फ्रैक्चर का मुख्य कारण क्या होगा, बल होगा, ठीक है, फोर्स। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके मेन कारण क्या है। तो फर्स्ट वन इज है डायरेक्ट इंजुरी। डायरेक्ट मतलब, है ना, प्रत्यक्ष चोट। तो डायरेक्ट इंजुरी मतलब डायरेक्ट उसे बोलेंगे कि जहाँ पर जो हमारे जो बोन टूट हुआ है, सॉरी, जो हमारा बोन टूटा है वहाँ पे ही बल लगा है। डायरेक्ट इंजरी मतलब जहाँ पर बल लगा है और वो बोन वहीं का टूटा है, कहीं और का नहीं टूटा है, तो हम लोग उसको डायरेक्ट इंजरी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट इंजरी में इसमें अस्थि वहाँ से टूटती है जहाँ पर बल लगता है, ठीक है, जहाँ पर बल लगता है, मैं लिख देती हूँ। इसमें क्या होता है, बोन वहाँ से टूटती है जहाँ पर बल लगता है, वहीं से वो वहीं पे वो टूटती है, तो उसे हम लोग डायरेक्ट इंजरी बोलते हैं। तो अगर इसका एग्जांपल दें तो मतलब मान लीजिए कोई क्या हाथ के बल ज़मीन पर अगर गिरा, कोई बच्चा था वो हाथ के बल ज़मीन पे गिरा, तो उसके
गिरने से क्या हो गया, उसके हाथ के कलाई का हड्डी टूटा तो वो डायरेक्ट हो गया। अगर कोई बच्चा था वो हाथ के बल गिरा डियर, और उसके हाथ के कलाई टूट की हड्डी टूट गई तो वो डायरेक्ट इंजरी हो गया। ठीक है, तो ये डायरेक्ट इंजरी हो गया कि जहाँ पर बल लगा और वहीं का बोन टूटा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट है, सेकेंड कह रहा है इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट नाम से ही देखो, इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष, मतलब कि इसमें क्या होता है कि जहाँ पर बल लगता है वहाँ पर नहीं टूटता है, कहीं कहीं दूर की हड्डी टूटती है। ठीक है, जहाँ पर बल लगता है वहाँ की हड्डी ना टूटकर कुछ दूरी की हड्डी टूटती है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करूँ तो हाथ के बल गिरने से, ठीक है, कॉलर की हड्डी टूट गई, हाथ के बल गिरने से कॉलर की हड्डी टूट गई, तो उसे हम लोग इनडायरेक्ट इंजरी बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें कुछ नहीं है, डायरेक्ट इंजरी याद रखना है कि डायरेक्ट इंजरी मतलब जहाँ पर बल लगा और वहाँ के सॉरी डियर और वो वहीं की बोन टूट गई, तो उसे हम लोग डायरेक्ट इंजरी बोलेंगे। अगर एग्जांपल की बात करें तो क्या होगा कि कोई बच्चा था वो हाथ के बल गिरा और उसकी हाथ की कलाई ही टूट गई, तो वो डायरेक्ट इंजरी हो गया। और इनडायरेक्ट इंजरी क्या होता है, ऐसा फ्रैक्चर जहाँ पर बल लगता है वहाँ से हड्डी ना टूटकर कुछ दूरी की हड्डी टूटती है, मतलब कुछ दूर की हड्डी टूटती है, उसे इनडायरेक्ट बोलते हैं। जैसे कोई बच्चा था वो हाथ के बल गिरा तो उसके वो हाथ की हड्डी ना टूटकर कॉलर की हड्डी टूट गई, तो जहाँ बल लगा वहाँ नहीं टूटा, उससे कुछ दूरी का टूटा। तो वही कह रहा है कि कोई बच्चा था वो खेल रहा था, वो हाथ के बल गिरा तो उसके हाथ की कलाई की या फिर उंगली की हड्डी ना टूटकर उसके कॉलर है ना उसकी हड्डी टूटी, तो उसे हम लोग इनडायरेक्ट इंजरी बोलेंगे। क्लियर है कि जहाँ बल लगा वहाँ की हड्डी ना टूटकर थोड़ी कुछ दूरी की हड्डी टूटी, तो उसे हम लोग इनडायरेक्ट इंजरी बोलेंगे। ठीक है, अप्रत्यक्ष चोट हो जाएगा इसका हिंदी। नेक्स्ट थर्ड कह रहा है डियर, एक मिनट, फोर्सफुल मसल कॉन्स्ट्रक्शन से भी हमारा बोन फ्रैक्चर हो सकते हैं। फोर्सफुल मसल कॉन्स्ट्रक्शन से भी हमारा क्या हो सकते हैं, बोन फ्रैक्चर हो सकता है। अगर कोई मान लीजिए कोई जिम में, कोई बॉयज़ जाते हैं ना, ज़्यादातर बॉयज़ लोग ही जिम जाते हैं, तो मान लीजिए अगर वो जिम कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा वो अपने मसल्स पर फोर्सफुल कॉन्ट्रक्शन अगर लगा रहे, तो उससे क्या होगा कि उसके बोन ही तो इफ़ेक्ट होंगे, और जब बोन इफ़ेक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, फ्रैक्चर ही होगा ना। ओके, एंड नेक्स्ट कह रहा है कंपोटेनस फ्रैक्चर। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, स्पोटेनस फ्रैक्चर है ना डियर। हाँ, स्पोटेनस फ्रैक्चर क्या होता है? ओके, तो स्पोटेनस फ्रैक्चर में क्या होता है, हड्डियों में स्वतः होने वाले टूटन, मतलब हड्डी स्वतः टूटती है, मतलब किसी डिजीज़ के कारण। ठीक है, किसी डिजीज़ के कारण हमारे बोन क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। बोलते हैं 35 से 40 के बाद क्या होते हैं, हमारे बोन क्या होते हैं, वीक होने लगते हैं। तो क्या खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, कैल्शियम की गोली आती है टैबलेट, वो खाने चाहिए, है ना। एक मिनट, ओके, तो कैल्शियम की गोली आती है, वो सब खानी चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारा बोन वीक नहीं होगा। तो 35 और 40 के बाद जो हमारा बोन वीक होने लगता है ना, तो स्पोटेनस फ्रैक्चर ऐसे ही होता है कि किसी डिजीज़ के कारण बोन वीक हो जाना, फिर बोन का खुद टूटना, या फिर थोड़ा सा भी चोट लगेगा तो वो टूट जाएगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे स्पोटेनस फ्रैक्चर। किसी डिजीज़ के कारण बोन वीक हो जाते हैं और थोड़ा सा भी चोट लगता है तो वो हमारे बोन टूट जाते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे स्पोटेनस फ्रैक्चर। ओके, आई होप कि आप सभी को टाइप डिफिनेशन एंड टाइप फ्रैक्चर के टाइप एंड कॉजेज अच्छे से समझ गए होंगे, तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। एंड अगर मैं आप सभी को बता दूँ डियर कि अगर किसी का फ्रैक्चर होता है तो उसका साइन क्या होगा, साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, तो एक मिनट मैं लिखा देती हूँ कुछ पॉइंट जो आप सभी को जानने चाहिए। साइन एंड सिम्टम्स, ओके, तो
तो क्या होगा, अगर आप लोग देखे होंगे अगर किसी का फ्रैक्चर होता है बोन का, पैर का, सॉरी हड्डी का फ्रैक्चर होता है ना, तो हाथ का पैर का कहीं का भी, अगर ज़्यादातर हाथ पैर की होते हैं तो इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे कि जहाँ पर अगर फ्रैक्चर हो गया है तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दर्द करता है, ठीक है, जहाँ पे फ्रैक्चर होता है उसके पास में बहुत दर्द होता है, फिर क्या होता है सूजन हो जाते हैं, ठीक है, सूजन हो जाना, फिर क्या हो जाते हैं टेंडरनेस हो जाना, टेंडरनेस मतलब हल्का सा भी अगर आप दबाओगे तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं टेंडरनेस। तो ये सब साइन एंड सिम्टम्स आपको देखेंगे, पेन होगा, सूजन होगा, टेंडरनेस देखने को मिलेंगे, एंड क्या होगा, आप अगर किसी का फ्रैक्चर हो गया तो क्या वो पहले जैसे काम कर पाएगा, अगर उसके हाथ का फ्रैक्चर हो गया मान लीजिए तो क्या वो बाल्टी कुछ भी उठा पाएगा, नहीं ना, तो वही हो गया पूरी तरह से कार्य में बाधा हो जाएगी, और फिर क्या होता है इसमें कड़कड़ाहट की आवाज़ भी सुनाई देती है, ठीक है, कड़कड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है, ओके। तो ये आपका साइन एंड सिम्टम था, सूजन, दर्द, टेंडरनेस होना, टेंडरनेस मतलब कि अगर आप दबाओगे वहाँ पे तो उन्हें बहुत ही दर्द होगा दबाने से, तो ये टर्मिनोलॉजी है, और कड़कड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है, और फिर अगर किसी का बोन टूट गया डियर तो क्या होगा, उसके आकार में लंबाई में चेंजेस ही तो देखने को मिलेंगे ना, हाँ, तो आप लोग ये सब देख सक लिख सकते हो, और वो कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा, है ना, बाधाएं आ जाएंगी। तो ये आपका साइन एंड सिम्टम्स था, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को आज का फ्रैक्चर का क्लास अच्छा लगा होगा, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, तो ठीक है, कि आप सभी को आज का क्लास कैसा लगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा, बस थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट में आप लोग कमेंट में फीडबैक दे दीजिएगा प्लीज़, ओके। तो ओके, तो आप सभी को समझ में आया ना, तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो प्लीज़ डियर आप लोग प्लीज़ फीडबैक दे दिया कीजिए, ओके, ताकि मैं मोटिवेट हो सकी और आप सभी के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँ। तो ये फ्रैक्चर था, तो फ्रैक्चर कंप्लीट हो गया है आपका, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड आप सभी को अच्छे से आई होप कि समझ में आ गया होगा, मैंने अपना 100% दिया है। तो प्लीज़ आप लोग फीडबैक दे दीजिएगा कि आप सभी को क्लास कैसा लगा। तो ठीक है डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।